तो उसके घर में राकेश और शमिता की जोड़ी को हर कोई पसंद कर रहा है। अब ऐसे में इन दोनों के बीच में एक और खास मूवमेंट देखने को मिला जब ये दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे दिखाई दिए गार्डन एरिया में। लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं ट्रैकिंग के बारे में। राकेश अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं और बताते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है ट्रैकिंग के वक्त। तो एक किस्सा शेयर करते हैं राकेश कि एक बार बारिश का मौसम था, मैं ट्रैकिंग पे गया हुआ था, मैं सारा भीग चुका था और वहाँ पर मुझे एक शेल्टर मिला। वहाँ पर ऑलरेडी लकड़ियाँ रखी हुई थी। ऐसा कई सारे लोग करते हैं जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं कि जब वहाँ से जाते हैं तो लकड़ियाँ छोड़ जाते हैं ताकि भविष्य में जो कोई आए वो उसके इस्तेमाल में आ जाए। तो वहाँ पर मैंने नूडल्स निकाले, टमाटर और आलू, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है सारी निकाली और जैसे ही माचिस निकाला तो मैं भीग गया था, तो माचिस भी पूरी तरीके से भीग गई थी। फिर मैंने कच्चा ही सब कुछ खाया। तो यहाँ पर शमिता कहती है कि तुम अकेले ही जाते हो ट्रैकिंग पे, डर नहीं लगता एनिमल्स एंड ऑल? तो राकेश कहते हैं कि बिल्कुल नहीं यार, एनिमल्स आपको जानबूझ के थोड़ी हार्म करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। शमिता कहती है अगर फिर भी अगर वो बैड मूड में हो, तो राकेश कहते हैं वो किस्मत की बात है कि आज शायद मेरा दिन अच्छा नहीं था। एंड यहाँ पर जानवर जानबूझ के किसी को, जब तक आप छेड़ते नहीं हो तब तक कोई आपको परेशान नहीं करता है। बिग बॉस OTT से जुड़ी ऐसी और भी कई मजेदार खबरें जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।